Hello friends, welcome to my new another video. दोस्तों फाइनली आप सबके लिए गुड न्यूज है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपको बैटल रॉयल मोड देखने को मिलता है, मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ और भी मोड्स है जो खेलने में काफी मजा आता है। लेकिन यहाँ पे अपडेट आ रही है एक्टिविशन की तरफ से भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जो की एक पीसी गेम है आप सभी को पता है, जो की एक अलग से लॉन्च किया गया था। हालांकि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर भी था, वो अलग से भी लॉन्च किया गया था, जो सिर्फ मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी दूसरा कैंपेन मोड वाला खेलना चाहते थे और मल्टीप्लेयर वाला खेलना चाहते थे मतलब वो तो वो गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ बैटल रॉयल खेलना था ना तो वो एक अलग से इंस्टॉल कर सकते थे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आपको मोबाइल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्टिविशन ने भाई अनाउंस किया है कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन है वो मोबाइल पे आ रहा है। इसके लिए भाई जॉब लिस्टिंग हुई थी जैसे कि आप सभी को पता भी होगा शायद, तो उसके बाद वो जॉब लिस्टिंग वाला शायद पोस्ट हटा भी दिया गया था, क्योंकि भाई मतलब जॉब लिस्टिंग में से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मतलब हाँ जो गेम बनाएंगे डेवलपर्स तो वो हायर हो चुके हैं शायद सब कुछ। तो यहाँ पे उन्होंने कोड वर्ड भी रखा था कि भाई WZM जिसका मतलब होता है वॉरजोन मोबाइल। तो यहाँ पे गुड न्यूज है भाई, आपको एक और बैटल रॉयल गेम है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो ना, ये कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन पीसी का गेम प्ले है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर आउट कर दूँ, वरना काफी लोग ना मेरे बैकग्राउंड गेम प्ले से भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नो कॉपीराइट गेम प्ले से लेता हूँ कई बार, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन अगर अलग से आएगा तो फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का क्या होगा? काफी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है और मैं भी थोड़ा सा हूँ, क्योंकि भाई मतलब जो रिसेंट अपडेट्स और लीक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ही आपको वॉरजोन का एक अलग से सेक्शन देखने को मिले, या फिर हो सकता है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन अलग से प्ले स्टोर पे लॉन्च हो या फिर ऐप स्टोर पे लॉन्च हो, तो कुछ ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जैसे कि पीसी में हुआ था सेम वही चीज हो सकती है। तो यार मेरे को ज्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं ना भाई वो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन अलग से लॉन्च होगा, क्योंकि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है ना वो अपने बैटल रॉयल के लिए नहीं भाई, वो अपने मल्टीप्लेयर मोड इसके अलावा कुछ और जो मोड देखने को मिलते हैं उसमें खेलने के लिए उसके लिए पॉपुलर है, ना कि बैटल रॉयल के लिए। आप सभी को पता होगा बैटल रॉयल में भाई शुरू से उसमें काफी शिकायत रही है कि लोग इतना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो अपडेट्स आए उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स हुई, लेकिन काफी लोग खेलने भी लग गए। लेकिन अगर हम पबजी से कंपेयर करें तो उसका बैटल रॉयल मोड है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन मल्टीप्लेयर काफी लोग खेलते थे, आप भी उनमें से शायद एक होंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को तो काफी पसंद आया था। और यहाँ पे वॉरजोन की अगर पीसी की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि साइज काफी ज्यादा है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि मोबाइल के लिए कैसे पोर्ट होगा, भाई पूरा गेम तुम्हारा बन रहा है, तो उस बात को बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि पीसी के ऊपर इतना है तो वो इतना है, भाई पूरा गेम जब दोबारा बनता है ना तो उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे ना, सिंपल सी बात है। जैसे पबजी मोबाइल को किया गया था तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट वहां पे यहाँ पे रखा गया, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन देखने को मिलेगा। और अभी तक इसके भाई 75 मिलियन से ज्यादा प्लेयर है पीसी के ऊपर, तो सोच सकते हो काफी लोगों ने पसंद किया था। और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है आपको FPS मोड में देखने को मिलने वाला है ये वाला गेम, जिसमें आपको क्रैक है वो शायद दिखाई ना दे, क्योंकि पीसी पे तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, तो मोबाइल पे भी कुछ वैसे ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन जो क्वालिटी और जो ग्राफिक्स है ना जो मतलब बैटल रॉयल्स में देखने को मिलेगा वॉरजोन में वो काफी जबरदस्त है भाई। यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो बैकग्राउंड में जो पीसी का गेम प्ले चल रहा है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे जैसे आप सभी को पता है कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल भी आ रहा है, लेकिन वॉरजोन उसको भाई बड़े बुरे तरीके से टक्कर देने वाला है, नॉर्मल सी बात है। मे भी हो सकता है दोनों आसपास ही लॉन्च हो जाए, मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भाई जो एपेक्स लेजेंड है वो तो इस साल के अंदर शायद आपको उसका बीटा एक्सेस या फिर सॉफ्ट लॉन्च देखने को मिल जाए, अगले साल गेम लॉन्च होगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन भी नॉर्मल सी बात है कि अगले साल तक जाएगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी ने स्टेप इसलिए लिया कि पबजी बैन हो चुका है, तो इसका फायदा उठाया जा सके, काफी लोग सोच भी सकते हैं। लेकिन आप सबके लिए बता दूं, जब पबजी बैन नहीं हुआ था तब भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के लीक तब भी आ रहे थे, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि कंपनी ने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक्टिविशन ने अनाउंस कर दिया है, तो 100% ऑफ गेम देखने को मिलेगा। बाकी आप वॉरजोन के लिए कितने एक्साइटेड हो, यार ये तो मतलब एक अलग कंसेप्ट है ना कि बैटल रॉयल लेके आ रहे हैं वॉरजोन वाला, लेकिन जो कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर आपने नोटिस किया जो पीसी में कैंपेन मोड होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी अगर ऐसा गेम भाई सच में एंड्रॉइड के लिए लिया है ना तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा जबरदस्त होगी, बैटल रॉयल से ज्यादा बैटल लगेगी मेरे को। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि कैंपेन मोड ज्यादा जबरदस्त होगा या फिर बैटल रॉयल आनी चाहिए, मतलब कैंपेन मोड देखने को मिले कॉल ऑफ ड्यूटी का ऐसा कोई गेम आए तो कितना मजा आएगा ना, तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप इस पूरे बारे में क्या सोचते हो, जरूर बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।